प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। बात शुरू करते हैं ओम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई इनटू आर, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हमें पता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अक्रॉस ए कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी ओवर एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। यहाँ वी की जगह लिख लें E into L equal to ये I, R को लिखा जा सकता है rho L over A, where rho is the resistivity of the material of the conductor। यहाँ L cancel हो जाएगा और हमारे पास आ गया E is equal to I over A into rho। This I over A is current density और इसको हम डिनोट करते हैं जे से, आई ओवर ए। कैसे डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी को? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एरिया बीइंग नॉर्मल टू द करंट। तो यहां से आई इज इक्वल टू जे इनटू ए। Actually, I is the dot product of J vector and area vector. This is equal to J into A into cos theta. Theta here is the angle between J vector and A vector. And if theta is equal to 0, जैसा कि यहाँ है current में और area vector में, तो थीटा जीरो होगा तो उस केस में आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे इन टू ए। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू आई ओवर ए, क्या है जे वेक्टर, जे इंटू रो। यहाँ से जे कितना आ गया, इक्वल टू ई ओवर रो। चलिए इस इक्वेशन को, जे इज इक्वल टू ई ओवर रो को कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई और आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। देखिए यहाँ क्या है करंट और यहाँ करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इधर है पोटेंशियल डिफरेंस और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी। मींस दिस इज आल्सो ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म एंड दिस इज ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। चलिए अब लिखते हैं करंट डेंसिटी को एक और फॉर्म में। करंट इलेक्ट्रिसिटी 03 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी विद माइनस साइन। माइनस साइन शोज दैट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी आर अपोजिट टू वन अनदर। हियर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं आई ओवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस एन ई वी डी। तो ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई करंट डेंसिटी के लिए। आई ओवर ए इज करंट डेंसिटी जे, सो जे इज इक्वल टू माइनस एन ई इंटू वी डी। चलिए वी डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। वी डी हमने प्रूव किया था इज इक्वल टू माइनस
ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम इंटू टाओ। ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड टाओ इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस इन द कंडक्टर। वी डी की वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जे कितना आ गया, जे इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ई, वी डी की वैल्यू माइनस ई इंटू ई ओवर एम इंटू टाओ। तो ये क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, एन इंटू ई स्क्वेयर इंटू टाओ को पहले लिख लिया ओवर एम इंटू दिस ई। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन के साथ, जे इज इक्वल टू ई ओवर रो, रो इज रेजिस्टिविटी एंड वी नो दैट वन ओवर रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सिग्मा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जे इज इक्वल टू वन ओवर रो की जगह सिग्मा इंटू ई। आइए कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। तो यहाँ हमारे पास जे कितना आ गया, ये हमारे पास ये फैक्टर क्या हो जाएगा, सिग्मा, मीन्स हमारे पास जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाओ ओवर एम। सो दिस इज द एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बिकॉज हियर सिग्मा इज ऑल्सो नोन, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो बच्चों हमने देखा कि करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, फिर हमने फाइंड आउट किया ये एक्सप्रेशन और फिर ये एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी। बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड, थैंक यू।